poster became the single visual snapshot of the film prior to the film's release. It's the only image of the film that the audience would carry, you know, with them when they would go into the theaters. So it was, as you can understand, it was a very, very critical publicity medium. पहले तो फिल्म भी ट्रायल पे दिखा देते कि फिल्म देख के आपको क्या इमेजन आ रहा है, तो वो ही सबसे फिर बनते थे। लेकिन बाद में फिर ऐसा हो गया कि फोटोग्राफ देने लगे। फिर वो फोटोस लेने के बाद एक आर्टवर्क बना थी, जैसे स्टोरी बोर्ड होता है ऐसा आर्टवर्क बना थी कि भैया 20x10 यानी 200 फीट के ऊपर बैनर लगने वाला है, तो वो ये कंपोजिशन अच्छा लगेगा। अगर 500 फीट में जाता है तो ये कंपोजिशन अच्छा लगेगा, क्योंकि उठ के दिखना चाहिए और क्लियर दिखना चाहिए। पोस्टर बनाने के लिए लगभग 4 लोग लगते थे और 2 दिन का समय लगता था, और जबकि विनाइल छपने में 2 घंटे में विनाइल छप जाता है। हम आर्टिस्टों के ऊपर ऐसा गाज गिरी जाती है ना, बिजली गिरती, ऐसा हो गया अचानक आ गया, अचानक बंद हो गया। तो हमारी लाइन में किसी ने ये नहीं बताया कि विनाइल आएगा, भाई लाइन बंद हो जाएगी, आप लोग दूसरा को रास्ता ढूंढो। तो आज हम सब आर्टिस्ट बड़ी मुसीबत से दिन निकाले।